हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टेरेस गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं अजवाइन प्लांट की। पूरी डिटेल वीडियो होगी, स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों प्लांट्स मेरे अजवाइन के हैं और दोनों को ही मैंने कटिंग से लगाया है। इसको कटिंग से लगाना बहुत ईजी है। चलिए हम पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सारी बातें एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज हम करेंगे अजवाइन प्लांट की बात। ये वो अजवाइन नहीं है जो हमारी किचन में मिली जाती है। ये अजवाइन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जो अरोमा है वो बिल्कुल उस अजवाइन से मिलती है जो हमारे किचन में मिलती है। ये एक हर्बल प्लांट है जिसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। आप इसकी मिट्टी बनाइए जो वेल ड्रेनिंग हो, न्यूट्रिशन से भरी हुई हो, यानी कि उसके अंदर कंपोस्ट डली हुई हो, जिसमें आप डाल सकते हैं सोयल, सैंड और कंपोस्ट की मात्रा बराबर बराबर मात्रा में, जिसकी इसकी ग्रोथ जो होगी अच्छी होगी और जो मिट्टी होगी वो काफ़ी लूज होगी और जो रूट्स होगी वो अच्छे से फैल भी पाएगी। अब बात करते हैं कि ये प्लांट इंडोर है कि आउटडोर, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप ठंडे एरिए में रहते हैं तो इसको बाहर रखेंगे, और अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे धूप की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो आप इसको थोड़ा इंडोर साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे धूप आनी बहुत ज़रूरी है। एकदम इसको शेड एरिया में मत रखिएगा, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर मिले। मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी है, बट उसको ओवर वाटर करने की नीड नहीं है। और दोबारा से आपको पानी तभी डालना है जब आपको ऊपर की मिट्टी थोड़ी ड्राई लगे, उससे पहले आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र की इतनी नीड नहीं है, बट अगर अच्छी ग्रोथ के लिए आप देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काफ़ी है। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सब कुछ दे सकते हैं, बट ज़्यादा फोकस आप पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पर कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अजवाइन की लीव्स है वो येलो टर्न क्यों हो रही है। उसका रीज़न यही है कि आपका प्लांट जो है वो ओवर वाटर्ड हो रहा है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। तो अगर ओवर वाटरिंग की दिक्कत है तो आप ये ध्यान रखिए कि जब तक तो उसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई नहीं होती आप उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट होने का खतरा रहेगा और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। और जो लीव्स हैं, जो डेड हेडिंग है, वो भी करनी ज़रूरी है। जैसे ही आपको लीव्स ख़राब लगे या ड्राई लगे तो उसको ट्रिम आउट कर दीजिए, ताकि जो प्लांट की एनर्जी है वो उसमें सारी ना जाए। अजवाइन प्लांट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे डाइजेशन के लिए, गैस प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन से लड़ता है, कॉमन कोल्ड हो उसमें हेल्प करता है, और जॉइंट पेंस में हेल्प करता है, कान में या दांतों में कोई प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है, वेट लूज में हेल्प करता है। फ़ायदे तो इसके अनेक हैं, पर इसको लेने के पहले आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, ताकि आप इसे एलर्जिक ना हो, क्योंकि आप एलर्जिक हो सकते हैं तो फ़ायदे के पहले नुकसान भी हो सकता है। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए। इतनी तेज़ धूप में तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगी कि ब्राइट लाइट दीजिए, बट डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए, थोड़ा शेड में इसको रखिए ताकि इसके पत्ते जो हैं वो जले ना। आप सुबह की धूप डायरेक्ट दे सकते हैं, बट जो बाद की धूप होती है 10 बजे के बाद की, वो आप डायरेक्ट धूप बिल्कुल ना दीजिए इसको, इसकी लीव्स जो है बर्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ईजिली लग जाती है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा का जेल का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर नहीं हो तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें रूटिंग हार्मोन की नीड नहीं होती है। आप इसको डायरेक्ट कट करके वहाँ पे आप हल्दी लगा लीजिए ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो, और इसको प्लेस कर दीजिए मिट्टी में, तो ये आराम से इसमें लग जाती है। इसको लगाने का तरीका बहुत ईजी है, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप अजवाइन को कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अजवाइन प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप उसकी जो टिप्स है, यानी कि जहाँ पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, जहाँ से उसकी ग्रोथ हो रही है, आप वहाँ से पिंच कीजिए, उस पत्तियों को निकाल दीजिए और वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कटिंग्स लगा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा, उसको एकदम शेड एरिया में ही रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।